हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल माय लवली पीपल। नेक्स्ट डे हो चुका है और ये देखिए इस व्यक्ति ने मेरे रुका बिना अकेले नाश्ता स्टार्ट कर दिया, मेरा इंतजार किया। मैं सो रही थी, हम दोनों साथ में उठे हैं मिस्टर, और तुमने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, तब तक मैं आ गई हूँ 10 मिनट में फ्रेश होके। कहाँ का सो रही थी मैं, ये देखिए पोहा और साकेत। और ये फोन ब्रेकफास्ट किसी में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट के समय मुझसे बात करनी चाहिए बैठ के, है ना। चलिए मैं अपनी चाय लेके आपसे मिलती हूँ। क्या बन रहा है दीदी, तबीयत कैसी है? अब तबीयत ठीक है? अब पेट दर्द है। अच्छा, अब ठीक है ना? हाँ, ये लो आ गई इडली, और नमक भी चेक करके बताना दीदी बोलिए। ठीक है, ये देखिए इडली बनी है, दीदी ने घर पे बनाई और इतनी सॉफ्ट बनी है ना, ऐसे अगर आप लोग को भी घर पे एकदम ऐसे सोडा वोडा भी डला दीदी इसमें, इनो बना ठंडी है ना। अच्छा, तो अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं एक स्पेशल व्लॉग इसके लिए बनाऊंगी। और ये चटनी नारियल से बनी है कि पीनट फली से ना? ये देखिए चटनी फली से बनी है सिर्फ, और वो भी उसमें इतना अच्छा कलर आया है। दीदी बेसिकली हमेशा बिना नारियल के बनाती है और पता ही नहीं लगता इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि उसमें नारियल नहीं डला या कुछ। हमारी तो फेवरेट है भाई। तो बस नाश्ता करके निकल गए हम कॉलेज के लिए, मिलते हैं आपसे आके फ्रेंड्स। तो जी हेलो, आ चुकी हूँ मैं घर, और घर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करती हूँ आप सबको तो पता ही है, अपनी चाय बनाती हूँ। तो बस मैं अपनी चाय बनाने जा रही हूँ, चलिए आप भी मेरे साथ चाय पीजिए, चाय बनाइए। ये जो लाइट गलत डायरेक्शन में आती है ना, मेरे ख्याल से वो पूरे ब्लॉग की लाइटिंग खराब कर देती है। और यहाँ मैं अपना मी टाइम एंजॉय करते हुए ब्राउन ब्रेड और चाय पी रही हूँ। ऑलवेज जिन आपको कॉलेज से आते भूख लग गई तो मैं फटाफट उनको अभी लंच दे दे रही हूँ, और रात को भूख लगी क्योंकि तो कुछ आई गेस दूध वूध पिला के या जूस पी के या कॉफ़ी पी के कहूँगी सो जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे जनाब का खाना प्रिपेयर हो रहा है, मैं इनका खाना प्रिपेयर कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने थाली प्रिपेयर कर दी, आलू फ्राई, गोभी की भुजिया, अचार, पुदीना और धनिया पत्ती की चटनी, एक एक का पोज, घी लगी रोटी, दाल तड़का और चावल। फ्रेंड्स शाम हो रही है तो मैंने सोचा आज आपको मैं अपना गार्डन दिखा देती हूँ जो मम्मी ने बनाया हुआ है। माली भैया भी आते हैं हफ्ते में एक बार, शत्रुघ्न भैया नाम है उनका, और आके पूरा ये करके जाते हैं। तो मैं रो वाइज आपको दिखाती हूँ क्या क्या, मुझे तो ज़्यादा पेड़ पौधों की नॉलेज होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा ज़रूर सकती हूँ आपको कि क्या क्या है। देखिए कितने बड़े बड़े सुंदर से टचवुड गुलाब के फूल हुए हैं। बचपन में मुझे आज भी याद है जब जल्दी से गुलाब के फूल बड़े हो जाते थे तो मैंने स्कूल में ले जाकर टीचरों को दिया करती थी, और जो बहुत अच्छे थे मम्मी मुझे तोड़ने नहीं देती थी, कहती थी कि क्या बोलते इसको मत ले जाओ टीचर के पास, पर भी मैं जिद कर कर ले जाती थी इस तरीके की, क्योंकि उस समय एक चलन होता था कि जो आपकी फेवरेट टीचर है उसको आप कैसे दिखाओगे कुछ ना कुछ फ्लावर्स देखिए। गिफ्ट तो तब होते नहीं थे या ऐसा कुछ, पोस्ट वगैरह भी आप नहीं कर सकते थे, सो ये होता था।
बेस्ट पार्ट है वो मुझे लगता है ये अशोका का पेड़ है, इसकी वजह से जो पूरा लुक है ना, और लुक भी आ जाता है और ये पूरा कवर भी हो जाता है एक तरीके से, जिससे एक प्रिवेसी प्लस एक ग्रीनरी एंड लुक का एक कॉम्बिनेशन हमको मिलता है। और ये देखिए इधर भी शोपत्ती का सेक्शन है, क्या बोलते हैं, इंडोर प्लांट है जो मम्मी ने ऐसे ऊपर तक बेल किया हुआ, ये शोपत्ती है, क्या बोलते हैं इसको, इंडोर प्लांट है। और ये सब तो बचपन से लगे ही रहते थे, बहुत ही सुंदर सेक्शन इनका, इनमें फूल नहीं है बट ये ग्रीन ही इतने सुंदर है कि क्या बताएं। तो फ्रेंड्स दिया व्या जला चुके हैं, अब जा रहे हैं नीचे डिनर बनाने अपने लिए। आज मैं सोच रही हूँ राइस के साथ में कुछ पनीर और सोया मिक्स करके बनाऊं, तो मुझे नहीं पता क्या एक्सपेरिमेंट करूंगी, और वो एक्चुअली कोई रेसिपी है भी नहीं कि बट जाती रही हूँ बनाने, तो आप भी चलिए। को ऊपर ऊपर से बता देती हूँ मैंने क्या सोचा है, मैंने सोयाबीन को सोचा है कि मैं उसको पहले पानी में डिप कर देती हूँ और पनीर निकाल देती हूँ, जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो पनीर और सोया को थोड़ी देर दही और मसालों में मैरिनेट कर दूंगी। मैंने गोभी और मटर को थोड़ा उबाल लिया 50% ताकि वो बिना ऑयल के भी जल्दी से पक जाए, ऑयल ना लगे। और फिर मैंने प्याज गाजर और कैप्सिकम को पतला पतला काट के सॉटे करूँगी, उसके बाद गोभी और मटर को थोड़ा भून लूँगी, और उसके बाद उसमें मैरिनेटेड पनीर और सोया डाल के कुक्ड राइस को साथ ऐसे वो करके थोड़ी देर पकने छोड़ दूंगी। इस तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा बट मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। ये देखिए प्रोसेस अभी भी ऑन है, ये देखिए पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पे सोया निकाल लिया मैंने और उधर पे ना गोभी मटर धो के रख दिया है, मतलब उबाल के। तो अब इसको डिप करते हैं और इन सब की चॉपिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ गर्म पानी में अब मैंने सोया डाल दिया और बाकी चीज़ों की चॉपिंग करने बैठ गई, प्याज कैप्सिकम एंड कैरेट जैसी चीज़ों की। और जब यहाँ पे सोया अच्छे से फूल गए तो मैंने पनीर के साथ दही में उसको लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ना मैरिनेट कर दिया फ्रेंड्स। और तब तक के लिए तवा चढ़ाया, तवा ऐसा रखना है कि उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं, बस ऑयल की ग्रीसिंग हो, और उस पर सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स मैंने अच्छे से डाल के सॉटे करने के लिए रख दिया। देखिए फ्रेंड्स मैंने ना थोड़ी देर तक उसी में गोभी मटर भी डाल दिया था, प्याज जब आधे हो गए थे, और अब ये सब अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें हम लोग ये अपना मैरिनेटेड वाला सोयाबीन और पनीर डाल देते हैं, और ये गीला है, इसी पॉइंट से इस पर चावल अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो ये देखिए एकदम हाफ बाउल मैंने चावल लिया है, मतलब छोटा वाला बाउल, उसको मैंने इस पर डाल दिया। थोड़ा सा बिरयानी मसाला है तो वो भी ऐड कर दीजिए, और अब इसमें हल्का सा हम डालेंगे बहुत हल्का सा मीट मसाला, और साथ में चिकन मसाला थोड़ा सा, दैट्स इट। अब इसको अच्छे से मिला देंगे, एक हाथ से काम नहीं हो रहा, मिला के मिलता। नेचुरल्स में क्या कर रहे हो तुम? एक तो मैं फोन देख रहा था। क्या 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 आपने क्या आपने बोला दाढ़ी बनवा ली कि जो मैंने आपको ट्रांसफर की थी? नहीं दाढ़ी तो नहीं है, थोड़ा तो था। मत बोलो, बाद में मिलते हैं। नहीं अभी मिलते। मैं हैंगड अप ऑन यू। लेकिन ये व्यक्ति परेशान करने से मान नहीं रहे उसे गाइस। अरे क्या है, तुम ऐसे फोन नहीं काट सकते यार मेरा, तुम मेरे से बिना बात किए तुमने फोन कैसे काट दिया? तुम पूछ लो कुछ काम की बातें तो बताओ, नहीं तो रखो। क्या तुम मेरे लिए कुछ लेके आ रहे हो खाने वाला? ये अगेन हैंगड अप ऑन यू। फिर मत लगाना, बेइज्जती हो जाएगी। अब बेचारा गुस्सा आ जाएगा मेरे से। इसके बाद मैंने इसको कम से कम 10 मिनट पकाया, और मैं 5 मिनट ऐसे ही इसको बंद छोड़ दे रही हूँ, उसके बाद खाऊंगी। सो फाइनली ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट 1-1.5 स्पून ऑयल लगी हुई
पनीर और वेज बिरयानी, चटनी है कोरिएंडर की, नो ऑयल, सैलड है, हल्का सा नमक और नींबू डाल के, दही विद जीरा पाउडर, गुड फॉर डाइजेशन, और थोड़ा सा मिर्च फॉर द स्पाइस। तो इस तरीके से मैं कुछ अपनी हेल्दी थाली प्रिपेयर करती हूँ। आई होप आज के दिन जब मैंने आपको पूरा रेसिपी दिखाई आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं अपना टेस्ट नहीं ख़त्म करती, उसका तरीका बदलती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं इंजॉय करती हूँ अपना फूड, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और जनाब ने पहले तो बोल दिया कि शाम को खा लिया, भूख नहीं लगी, फिर रात को भूख लगने लगी, तो मैंने उन्हें ये गार्लिक राइस और एक अंडे का पॉच प्रिपेयर करके दिया। अब जनाब का आज वाला गिफ्ट है, जो कि एक्वामैन की टिकट्स हैं, वॉशरूम गए। आई थिंक मुझे एक्वामैन के टिकट्स तो मेरे ही फ़ोन में, तो मेरे ही फ़ोन से शूट करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, कैसे शूट करूँगी। ये देखिए मैंने लिख दिया है, टू सी गिफ्ट ऑफ टू डेज टू गो, ओपन बीवी का फ़ोन। तो अपना तो आएंगे, इसमें अपना फ़ोन ऑन करके रख दूँगी, उसमें से देखेंगे। देखो कार्ड पढ़ो, ट्रेजर हंट करो। कैमरा साफ है ना? कैमरा साफ है, तो मुंह क्यों साफ कर रहे हो? कैमरा साफ है बोल के। कार्ड में क्या लिखा है? पहले मैसेज पढ़ो, ये नीचे वाला। पहले फोन में भी एक है, इसमें कार्ड बना हुआ है क्या? अरे तो देख, ओपन बीबी, बीबी को क्या करो? ओपन बीवी का फोन, मे योर बर्थडे केक जस्ट लाइक यू, सॉफ्ट स्वीट एंड प्रीटी, हैप्पी बर्थडे टू माय बेस्ट फ्रेंड। वाह, आज मेरे लिए कुछ खाने का होगा। नहीं, अरे तो कैमरा हटाओ ना, अरे कैमरा हटा दो यार। अब देखो इसी में तुम्हारा गिफ्ट है, पीछे लास्ट स्क्रीन खोल के देखो ना मैंने क्या खोला होगा। ये कब का है? कल का? कल का। कितने बजे का? शाम को, तो उसका वही एक शो चल रहा है भिलाई में, 5:50, 6 बजे का, हिंदी 3D जैसा तुम्हें पसंद है। एक नंबर। हैप्पी, मजा आ गया। ये गिफ्ट अच्छा था? एक नंबर। वैसे अपन सोच रहे थे जाने का, है 5 बजे का ही है क्या? 5:50, 6 बजे का, 5:30 पे अपन निकलेंगे। चलो बढ़िया, थैंक्स। तो ये है गाइस, इनको यही सारी सुपर हीरोज वाले पिक्चर पसंद आती है, तो जनाब के लिए हमने बुक कर दिया है। हैप्पी, थैंक यू, बहुत थैंक यू। चलो चलो चलो, पहले एंडिंग ले लेते हैं, फिर फेस क्लीन करना। ओ पीछे टॉवल आ गया, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप जो ये मैं अपना डेली व्लॉग बना रही हूँ धीरे धीरे करके आपको पसंद आएगा। और ये मेरा गिफ्ट जो लेके बैठ रहे थे, मुझे लगता है सारे गिफ्ट सीरीज में यही सबसे ज्यादा पसंद आया है। ये तो आज का गिफ्ट था जो कल मिलेगा, कल वाला भी मिलेगा, और परसों हमको किसी अच्छी जगह पे पार्टी देना, बर्थडे बॉय का काम है, ठीक है ना? हाँ बोलो, तो चलिए, आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू साव्या का संसार, टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज साव्या का संसार। बाय बाय।